नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिजाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और हमेशा की तरह आज मैं फिर से एक प्लान आपके लिए लाया हूँ, जिसका डिटेल मैं आपको बताने वाला हूँ। और अगर आपको वो प्लान पसंद आता है या नहीं भी आता है, तो प्लीज़ उस प्लान को शेयर कीजिए, क्योंकि यह प्लान किसी न किसी के कुछ न कुछ काम आ सकता है। तो किसी और के फायदे के लिए प्लीज़ यह प्लान शेयर कीजिए और हमारा हर वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि हमने हज़ारों की तादाद में यहाँ पे प्लान्स और डिजाइन्स अपलोड किए हैं। हो सकता है कि आपके सपनों का प्लान और आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो प्लान हमने ऑलरेडी यहाँ पे डाल रखे हैं, तो प्लीज़ हमारा पिछले सारे वीडियो चेक कीजिए। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले कुछ समय में, आने वाले कुछ दिनों में हम बहुत सारे वीडियोस और बहुत सारे प्लान्स और डिजाइन्स यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। हो सकता है आपके सपनों का प्लान आपको यहाँ पे फ्री में मिल जाए, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस चैनल पर लाने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं वो प्लान जो आज हमने आपके लिए लाया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यह वो प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है, जिसका प्लॉट का साइज़ है 25 फीट 4 इंच बाय 39 फीट 6 इंच। मतलब देखिए, 25 फीट 4 इंच यहाँ से यहाँ तक है, 39 फीट 6 इंच यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, 25 फीट 4 इंच, 39 फीट 6 इंच। तो इस साइज़ में हमारा प्लॉट है। इसमें हमने देखिए 2 BHK प्लान बिठाया है, एक सिंपल सा प्लान है। और देखिए स्टेयर के जो है बाहर से नज़र आ रही है, हम यहाँ से देखिए इस साइड में रोड है, बाकी इस साइड में दूसरों का प्लॉट है। तो हमने इस साइड में देखिए 1 फीट 6 इंच मतलब 1.5 फीट का हमने जगह छोड़ी है, और यहाँ पे देखिए पीछे भी 1 फीट 6 इंच मतलब 1.5 फीट का जगह छोड़ा है, और इस साइड में भी 1 फीट का एक पैसेज छोड़ा है। तो वेंटिलेशन के लिए देखिए इतना ही हमने पैसेज छोड़ा है इस प्लान को, आप समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, हमारे रोड इस साइड में हमारा रोड है, इस साइड से हम आते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारा सीट आउट दिख नज़र आ रहा है, मतलब यहाँ पे स्टेयर के ये स्टेप्स चढ़ के हम इस ओटे पे आ रहे थे, ठीक है। और इसके बाजू में जो दिख रहा है आपको, देखिए ये पार्किंग का एरिया है, लगभग 10 फीट है यहाँ से यहाँ तक, और 7 फीट 10 इंच यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। तो 10 फीट में देखिए कार तो नहीं बैठेगी हमारी, लेकिन 7 फीट 10 इंच में ऐसी कार बैठ सकती है, लेकिन 10 फीट में हमारी कार नहीं बैठ सकती। तो यहाँ पे 2 व्हीलर की पार्किंग रहेगी, ठीक है, तो 4 व्हीलर की पार्किंग नहीं रहेगी यहाँ पे। और इसके बाद में देखिए यहाँ पे आ रहे हैं हम हमारे मेन डोर में, तो हम ऊपर जाने के लिए देखिए यहाँ से स्टेयर केस यूज़ कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ओटा जो है ये यहाँ पे कंटिन्यू हो रहा है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं देखिए ऊपर की तरफ, यहाँ पे हम जा रहे हैं लैंडिंग पे आ रहे हैं, और लैंडिंग से हम ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ रहे हैं। तो ये फर्स्ट फ्लोर पर जाएगी तो ये जो डॉटेड लाइन्स है ये ऊपर जाएगी, मतलब लगभग 7 फीट के भी हाइट पे ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पे इसके नीचे जो देखिए हमें हमारा किचन का डोर बैठ रहा है, ठीक है। तो ये किचन का डोर भी हमने दिया है, क्योंकि क्लाइंट का रिक्वेस्ट था, आप डोर रख सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पे विंडोज़ भी रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये जो दिख रहा है ये हमारा डबल डोर है, ये मेन डोर है हमारे लिविंग रूम का। लिविंग रूम का साइज़ आपको क्लियर नज़र आ रहा है, देखिए 11 फीट 5 इंच बाय 16 फीट है, ठीक है, मतलब लगभग 11.5 बाय 16 का हमारा लिविंग रूम मिल रहा है हमें। लिविंग रूम को हमने 2 विंडो दिया है, देखिए यहाँ पे एक विंडो दिया है, यहाँ पे एक विंडो दिया है, और यहाँ पे एक विंडो दिया है, मतलब लगभग 3 विंडोज़ हमने दिया है वेंटिलेशन के हिसाब से। तो बहुत ही बढ़िया वेंटिलेशन आ जाएगा यहाँ पे। देखिए इस फ्रंट साइड में हम बड़ा विंडोज़ रख सकते हैं, और ये दोनों साइड में हम छोटी छोटी विंडोज़ रख सकते हैं। उसके बाद में देखिए ये पैसेज जो दिख रहा है, हम यहाँ पे किचन की तरफ जा रहे हैं। देखिए किचन का साइज़ है 10 फीट बाय 9 फीट 3 इंच, मतलब लगभग हमें 10 बाय 9 फीट 3 इंच का हमें किचन मिल रहा है। और किचन देखिए यहाँ पे किचन ओटा नज़र आ रहा है, इस साइड में हमने जगह छोड़ी है 1 फीट, तो यहाँ पे हमने विंडो दिया है, और इस साइड में हमने डोर्स दिया है। तो ये जो स्टेयर केस का नीचे का जो पोर्शन है, यहाँ पे हम यूटिलिटी यूज़ कर सकते हैं, मतलब वॉशिंग एरिया भी यूज़ कर सकते हैं, और बाहर जाने के लिए भी किचन से हम यहाँ पे बाहर ये रास्ता यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में देखिए किचन के बाद में हम यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमें मिल रहा है बाथरूम और WC का एरिया, ठीक है। बाथरूम का साइज़ हमें मिल रहा है 6 फीट 9 इंच बाय 4 फीट का है, मतलब 6 फीट 9 इंच बाय 4 फीट का हमारे बाथरूम का साइज़ मिल रहा है, तो बहुत ही बढ़िया साइज़ है। इसके पीछे देखिए वेंटिलेटर है, और क्योंकि पीछे हमने एक 1 फीट का जगह छोड़ी है, ठीक है। इसके बाद में देखिए उसके बाजू में ही लगे हैं हमें 3 फीट 3 इंच बाय 8 फीट 10 इंच का, लगभग सॉरी 3 फीट 3 इंच बाय 3 फीट 10 इंच का यहाँ पे हमें जनरल WC मिल रहा है, जो जनरल साइज़ है,
और उसको भी हमने पीछे देखिए वेंटिलेटर रखा है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे हम आ रहे हैं तो हमें एक ये एक डोर नज़र आ रहा है। देखिए ये जो डोर है हमारा किचन के फ्रंट में आता है और यहाँ पे हमने एक वॉल खड़ी कर दी है देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो मेहमान बैठने वाले हैं देखिए यहाँ पे, तो इनको हमारा बेडरूम का डोर ना दिखे और टॉयलेट बाथरूम का भी डोर ना दिखे, इसलिए हमने ये वॉल यहाँ पे वॉल खड़ी कर दी है। ठीक है, तो ये पार्टीशन रहेगा, मतलब यहाँ पे हम हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब नहीं होगी। तो देखिए यह जो डोर नज़र आ रहा है ये हमारे बेडरूम का डोर है। बेडरूम का साइज़ हमें मिल रहा है 11 फीट 9 इंच है यहाँ से यहाँ तक, और 11 फीट 5 इंच यहाँ से यहाँ तक है, मतलब लगभग 12.5 बाय 11.5 का हमें हमारा बेडरूम मिल रहा है। बेडरूम को देखिए पीछे जो हमने 1 फीट 6 इंच का जगह छोड़ी है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक बड़ा सा विंडोज़ रखा है, तो हमें प्रॉपरली वेंटिलेशन मिल जाता है इस बेडरूम को। तो उसके बाद में देखिए यहाँ पे हम इस एरिया से यहाँ पे फिर से हमें वो हॉल में आ जाएंगे। हॉल से देखिए यहाँ पे हमें चिल्ड्रन बेडरूम मिल रहा है। देखिए हॉल से इसका डोर जो है हॉल में से एंट्री हो रही है, इसलिए हम इसको चिल्ड्रन बेडरूम कह सकते हैं। यहाँ पे चिल्ड्रन बेडरूम करके हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो 10 फीट 3 इंच बाय 10 फीट 8 इंच का यहाँ पे हमें चिल्ड्रंस बेडरूम मिल रहा है जो बच्चों के लिए रहेगा, और बच्चे देखिए इस लिविंग रूम से उसको यूज़ कर सकते हैं, तो उनको कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, उनको कोई भी प्राइवेसी की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चिल्ड्रन जो है यहाँ से आराम से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे पीछे भी देखिए पीछे विंडोज़ दिया है, क्योंकि 1 फीट 6 इंच का हमने पीछे भी जगह छोड़ी है। तो इस टाइप में ये सिंपल सा प्लान है। देखिए ऊपर जो रेंट पे रहेंगे या दूसरी फैमिली रहेगी तो वो बाहर से ही यहाँ पे स्टेयरकेस से स्टार्ट करके यहाँ के बाहर जाएगी, मतलब हम रेंट से ऊपर का फ्लोर जो है रेंट से भी दे सकते हैं और दूसरी फैमिली भी हमारी यूज़ कर सकते हैं, नीचे कोई भी हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस टाइप में ये सिंपल सा प्लान था 25 फीट 4 इंच बाय 39 फीट 6 इंच का। आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आपको यह प्लान पसंद नहीं भी आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि यह प्लान किसी न किसी के कुछ ना कुछ काम आ सकता है। तो किसी और के फायदे के लिए प्लीज़ यह प्लान शेयर कीजिए, और आपको हमारे चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को भी इस चैनल पर लाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि होम डिज़ाइन के बारे में लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन्स हमने अपलोड किए हैं, और भी हज़ारों डिज़ाइन्स और प्लान्स हम लाने वाले हैं। तो हम जुड़े रहने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आशा करता हूँ कि यह प्लान पसंद आया है आपको। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।